हेलो गाइज, राधे राधे। मैं मधु स्वागत करती हूँ यूट्यूब चैनल ईसा फैमिली ब्लॉग्स में। आप लोग को बहुत हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। राधे राधे। मैं मधु स्वागत करती हूँ यूट्यूब चैनल ईसा फैमिली ब्लॉग्स में। तो आज मैं फाइनली कुछ आप लोग को बताना चाहती हूँ। आज मैं इस घर से जाने वाली हूँ और इस घर में कभी दोबारा नहीं आऊँगी। तो इस टॉपिक पर बात करने से पहले मैं आप लोग को अपना पूरा घर दिखाना चाहती हूँ कि मेरा घर जहाँ पर मैं रहती थी कैसा था, और मैं इस घर में अब कभी नहीं आ सकती, इसीलिए मैं सोच रही हूँ आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ लास्ट टाइम, और क्या रीज़न है ये सब आगे आप लोग को पता चलेगा। तो चलिए मैं आप लोग को अपना घर के होम टूर करा देती हूँ। जैसा है अभी पूरा बिखरा हुआ है, तो कोई सामान कहीं अस्थिर नहीं है। बाकी क्या कारण है, क्यों मैं घर छोड़ रही हूँ, तो आप लोग को सारे बात इस वीडियो में पता चल जाएगी। तो फुल वीडियो को देखिएगा, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में सुझाव भी दीजिएगा। और देखिए मैं अपना बैग पैक कर ली हूँ, तो मैं थोड़ी देर के बाद निकलूँगी ही, मतलब 2 घंटे के बाद मैं घर से निकलूँगी। इसलिए मैं सोच रही हूँ कि इस घर का वीडियो मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ, और आगे आप लोग को पता चलेगा मैं इस घर को छोड़कर क्यों जा रही हूँ और क्यों इस घर में नहीं आऊँगी अब मैं कभी। तो चलिए वीडियो के साथ बने रहिए गाइज। गाइज ये मेरा मेन गेट है और इसी से गेट से मैं हम लोग अंदर जाते हैं। तो ये देखिए मैं खोलती हूँ, सिया अंदर में है। और ये देखिए गेट से मेरा एंट्री अभी हॉल में होगा, ये मेरा गेट से हॉल में ही एंट्री हो रहा है। और बगल में ही किचन है, जस्ट गेट के बगल में किचन का दरवाज़ा दिया हुआ है, और किचन के दरवाजे पर गेट नहीं लगाया हुआ है, ऐसे ओपन है किचन, दरवाज़ा नहीं लगाया हुआ है। ये देखिए सिया आगे किचन में जाकर दिखा रही है आप सबको। और किचन मेरा कुछ इस तरह से है, क्योंकि बर्तन वगैरह जो खाना खाए हैं अभी, क्योंकि अभी निकलेंगे 2 घंटे के बाद, तो खाना वगैरह खाकर सब बर्तन धो डाले हैं। और ये देखिए यहाँ पर इंडो दिया हुआ था, और किचन से ही स्टोर रूम का जाने का रास्ता है। स्टोर रूम में एक वॉशिंग मशीन और एक कूलर रखा हुआ है, तो कूलर तो यूज में नहीं आता है तो साइड में रख दिए हैं। वॉशिंग मशीन में मैं कपड़ा धोती थी, और स्टोर रूम में एक नल भी दिया हुआ था, तो वॉशिंग मशीन इसीलिए स्टोर रूम में रखा हुआ है। और अभी हम हॉल में आ गए, और हॉल में ही कॉर्नर पर मैं पूजा के लिए बनाई हूँ ऊपर में, मतलब रेक टाइप के, और नीचे में टेबल है सिया का स्टडी टेबल। और आज बृहस्पतिवार है तो हम बृहस्पतिवार की पूजा भी किए थे। और अभी हम ले चल रहे हैं आप लोग को, ये लाइटिंग और बाथरूम अपना दिखा देते हैं थोड़ा सा। तो ये देखिए इंडियन बाथरूम नहीं है मेरे घर में, यही एक लाइटरिंग है, और उसके बाद बगल में सिंक दिया हुआ है बेसिन, जिसमें हम लोग ब्रश वगैरह करते थे। और ये नहाने वाला बाथरूम है, यहाँ से मैं बाहर निकल जाती हूँ। तो ये देखिए ये बेडरूम है, जिसमें अंश सोया हुआ है, और थोड़ा बहुत कपड़ा है जो फोल्ड करना है जाने के लिए, रखने के लिए, तो मैं फोल्ड नहीं की थी। और अंश सोया है, 2 घंटे के बाद निकलेंगे, तो अंश को छोड़ दी हूँ सोने के लिए, आराम से सो जाए। मेरा बेडरूम कुछ इस तरह है, इधर लोहे का अलमारी है जिस पर डेली यूज वाले कपड़े हैं, और ये गोदरेज, और 2 अलमारी इसी में दिया हुआ था, ऊपर में AC लगाया हुआ है। और पूरा मेरा घर छित्र बितर हुआ है, क्योंकि कहीं जाना हो ना तो आप सब लोग समझ सकते हैं कितना घर बिखर जाता है। और मुझे तो अब इस घर में आना ही नहीं है, तो जो सामान मतलब ज़रूरी वाला है वो लेके चली जाऊंगी, और जो बाकी का है जो हस्बैंड जी हम लोग को छोड़ के आएंगे, क्योंकि हम लोग को ना यहाँ से ट्रांसफ़र हो गया है, कहीं और हम लोग जा रहे हैं। तो अभी तो हम ससुराल जाएंगे हस्बैंड जी हमको छोड़कर, उसके बाद यहाँ आ जाएंगे, तो पूरा सामान लेकर फिर वो जाएंगे। और कुछ दिन हम मुझे ससुराल में रहना पड़ेगा, क्योंकि नई जगह है, वहाँ जाकर मतलब पूरा सामान जाएगा, शिफ्ट होगा, उसके बाद हम दोनों बच्चे लेकर आएंगे। हेलो गाइज, मैं ऑटो में आके बैठ गई हूँ और बच्चे भी बैठे हुए हैं, सभी लोग यहीं पर हैं। ऑटो वाले भैया कहीं गए हैं तो इसीलिए हम बैठे हैं, थोड़ा देर में यहाँ से निकलेंगे। और आज से मैं कर्नाटक के बाय बाय कर रही हूँ, अब यहाँ पर नहीं आऊँगी। तो आप लोग को थोड़ा व्यू दिखा देती हूँ, आप लोग भी देख लीजिए आज लास्ट टाइम। ये देखिए
यहाँ पर ना हस्बैंड जी रुके हुए थे क्योंकि एटीएम में उनको काम था, पैसा वगैरह का निकालना था, तो वो रुके हुए थे। और पड़ेगा तो ये देखिए तोरणगलू मार्केट है, लोकल मार्केट तोरणगलू का। तो ये सब्जी मंडी से ही मतलब जाते हैं स्टेशन, आगे हस्बैंड जी बैठे हुए हैं और ऑटो वाले भैया चला रहे हैं। ये देखिए सब्जी मार्केट है तोरणगलू का, और मतलब संडे का ना सब्जी मार्केट बहुत अच्छा लगता है, यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे सब्जियाँ मिलता है। और ये मेरे घर से ज़्यादा दूर नहीं पड़ता था, तो कभी कभार हस्बैंड जी जब संडे को छुट्टी रहता था ना तो यहीं से सब्जी लाते थे। हेलो गाइज, अभी हम लोग ट्रेन में बैठ गए, 3:20 हो रहा है और अमरावती हमारी ट्रेन के नाम है। थोड़ा लेट आई थी यार ट्रेन, ज़्यादा नहीं, 5 से 10 मिनट लेट आई थी, तो अभी हम लोग बैठ चुके हैं। गाइज देख सकते हैं ट्रेन तोरणगलू से निकल चुकी है और अभी जस्ट ही तोरणगलू से ट्रेन निकली हुई है, जो मैं आप लोग को व्यू शेयर कर रही हूँ। और अभी हम लोग मतलब लंच करके घर से चले हैं, नाइट के खाना मैं ले ली हूँ घर से ही बनाकर, तो हम लोग ट्रेन में खा लेंगे। तो ये देख सकते हैं कुछ इस तरह से व्यू है। गाइज रात के 8:30 बज रहा है और दोनों बच्चे सो गए हैं और बाकी लोग भी जो ट्रेन में थे सभी खाना खाकर सो गए हैं। कुछ लोग जगे हुए हैं, कुछ लोग सो भी गए हैं। तो इस वीडियो के एंड यही करूँगी, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। आगे के सफ़र मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।